जिन शॉट्स में मैं हैवानियत की तरह आते आऊँगा खाते वक्त वो मैं काट दूंगा, ठीक है। ये हर चीज़ हो रही है, इनको अच्छी लग रही है, मेरे को अच्छी लग रही है, और ठूस ठूस के खा रही थी। मुर्गे सर टीम एक करी है, दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आए हैं सेलिब्रेट करने अपना 100 के आप बोल सकते हो, या फिर फूड ब्लॉग का ट्राई कर रहा हूं मैं कि एक बार आपको दिखाऊं कि बारबेक्यू नेशन में क्या होता है, कैसे होता है एंड क्या क्या मिलता है यहां पे डिशेस में, और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। सो लेट्स चेक इट आउट। तो दोस्तों स्टार्टर्स आप देख सकते हैं, यहाँ से अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं एंड यहाँ पे फिश टिक्का वगैरह सब कुछ है। सॉरी ओके एक डाल दीजिए थोड़ा सा, क्या सारी चीज़ें हैं। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, बट प्रॉन्स जो है अपने फेवरेट हैं, ये देख सकते हैं आप, ये खा के देखते हैं। एक बार आपको यहाँ पे भी दिखा दूँ क्या क्या है। इससे पहले मेरे फेवरेट है नमक थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, प्रॉन्स में ठीक है बस। तो दोस्तों प्रॉन को अपन लोगों ने खा के देख लिया। अब एक्चुअली मैं वेजिटेरियन नहीं हूँ, बट यस वेजिटेरियन भी हूँ, तो हमने वेजिटेरियन और वो दोनों मिक्स था, तो यहाँ पे पनीर भी है, थोड़ा सा इसको भी लेके देखते हैं। फूड ब्लॉग भाई पहली बार बना रहा हूँ कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर देना इन एडवांस। बस एक चीज़ देखी मैंने यार, ये फूड ब्लॉगर जो होते हैं बड़े मज़ेदार ज़िंदगी होती है इनकी, आई लाइक इट। एट आउट ऑफ 10, सॉरी हाँ 8 आउट ऑफ 10। जी चीज़ ये खा के देखते हैं सर जी, पहले पहले ड्रम स्टिक ओके एक ये देखिए, थैंक यू। बाकी सही ना स्पाइसी वगैरह सर, सॉरी स्पाइसी सही ना स्पाइसी, हाँ स्पाइसी कर देना भैया थोड़ा, थोड़ा स्पाइसी आ रहा है, कुछ चेंजेस करना तो बता देना ठीक है सर। ओके ओके आपके ऑर्डर चेंज हो जाएगा सर। ओके थैंक यू, आपको जो कुछ कमी लगता है प्लीज़ बता देना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टाफ बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है एंड बार बार आके हमसे पूछ रहे हैं कि टेस्ट कैसा लग रहा है आपको, क्या आप कुछ अच्छा मतलब समझ रहे हो आप कि थोड़ा स्पाइसी करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, तो ये सब चीज़ें होती है यार, बहुत अच्छी होती है। बाकी घूम फिर के तो हम लोग आ ही जाते हैं टंगरी कबाब में, आप सबको पता ही है। क्या ये रजवाड़ी मुर्ग टिक्का सर? रजवाड़ी मुर्ग टिक्का ऐसा ही स्पाइसी है, ये स्पाइसी का भाई। ओके ये आप ट्राई कर लो ठीक है सर। ओके हम ट्राई करके बता देते हैं, थैंक यू। बाकी इससे और कम करवाना है अधिक करवाना बता देना, चेंज होते हैं। ओके ओके थैंक यू। जिन शॉट्स में मैं हैवानियत की तरह आते आऊँगा खाते वक्त वो मैं काट दूंगा, ठीक है। अभी तक तो अच्छा लग रहा है, सर्विस भी अच्छी लग रही है, खाना भी अच्छा लग रहा है, बाकी एंड रिजल्ट तो आपको एंड में बताएंगे। अब सर कुछ भी चेंज करवाना सर बता देना, इस पाइस से आपके वहाँ कुछ भी लगे आप ठीक है मैम। ओके थैंक यू। तो ये चीज़ मैंने एक चीज़ देखी कि यहाँ पे जो मैनेजर है एंड शेफ़ है वो स्पेसिफिकली
एक एक टेबल पे जा रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं जाके कि टेस्ट कैसा लग रहा है आपको, कुछ चेंजेस करवाना चाहते हो। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी यार, वेरी पोलाइट, वेरी नाइस। फिश बिना तो बनता ही नहीं। जून गुरुवार मटन सीख से, मटन सीख, हाँ मटन सीख जून गुरुवार। ये तो सर, सर नहीं नहीं जून गुरुवार मटन सीख। थैंक यू। सही से लग रहा है, कमी है नहीं, बहुत सही के लिए सजेशन बताओ। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो हमने स्टार्ट ही किया है, कुछ ऐसा फीडबैक होगा तो हम आपको बताते हैं। सर ये आपका मेयोनीज हो गया सर, ये टमाटो केचप, ये हॉट गार्लिक सॉस हो गया सर, और ये जो यहाँ पे ये सर ये आपका मीट सॉस हो गया सर, ये तंदूरी आइटम के साथ खाने से आपको सर फ्लेवर थोड़ा टेस्ट में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो ऑयल है ये सर, ये आपका रेड चिली सॉस है। ओके। ये आप ब्लैक पेपर है सर, ये लेमन गार्लिक है सर। ओके थैंक यू। यहाँ पे सर ये आपका ये फिश हो गया सर, ये मस्टर्ड, ये फिश हो गया, प्रॉन्स हो गया सर आपका सर। प्रॉन्स ओके। ये आपका चिकन है सर। ओके। बेबी क्यू पाइनएप्पल है सर। ओके। वो गाना गाना ग्रिल वेज है सर। ओके। ये आपका लोरी पनीर टिक्का है सर। ओके कूल। सो गाइस यहाँ पे आप देखते हैं सर्विस मुझे बहुत अच्छी लगी। गया तो मैं काफ़ी जगह हूँ, तो एक्चुअली मैं कभी व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि आई लाइक टू एंजॉय, बट आज मैंने सोचा कि व्लॉग बनाया जाए ज़रूर आप लोगों के लिए एंड थोड़ा सा रिव्यू दिया जाए बारबेक्यू नेशन का। ब्रो स्मोकिंग मोड अच्छा है, ये बोल रहे पाइन एप्पल अच्छा है, ये है पाइन एप्पल, एक बार खा के देखते हैं। यम, फिश खानी चाहिए यार। फिश का टेस्ट भी अच्छा लग रहा है। बाकी आप यहाँ पे अपने हिसाब से टेस्ट करवा सकते हैं, स्पाइसी करवाना चाहोगे स्पाइसी करवा दो, नॉर्मल खाना चाहते हो नॉर्मल खा लो। सबसे ऑसम क्या लगता है मुझे पता है, ये जो बारबेक्यू वाले होते हैं चाहे जो भी हो, नेशन हो, फैक्ट्री हो या कहीं पे भी मैं जाऊँ, ये जो टेबल के बीच में उन्होंने फूल डाला होता है ना, ये बहुत ही अच्छा एक एसेंस देता है, स्पेशली ठंड के टाइम पे शो करता है। रामा हो राजवाड़ी मोड़ में टिक्का, रामा हो राजवाड़ी मोड़ में टिक्का। ओके। ये सर गाना हो गाना ग्रिल वेज, हो गाना ग्रिल वेज, अचे नचे लाहौरी पनीर टिक्का। यहाँ पे हम आपको ज़्यादा वेजिटेरियन डिशेस इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि हम वेजिटेरियन खाते नहीं, पर फिर भी हमने वेजिटेरियन मंगवा दिया उन लोगों के लिए जो लोग वेजिटेरियन खाते हैं उनको दिखाने के लिए बेसिकली। इसके अलावा वैसे लाखों में पास्ता है, गोलगप्पे है, ठीक है सर, पालक पत्ता चाट है, आलू चाट है सर, ये सब वेजिटेरियन डिशेज है आपके लिए बता रहे हैं ये। पालक पता चाट है, मैंने कुल्फी के बारे में सुना है यहाँ पे, स्पेशल कुल्फी भी है सर, स्पेशल कुल्फी भी है, काउंटर का है उसका, वो एक्चुअली खाना है। अभी फेस्टिवल चल रहा है इसमें गाजर का हलवा है सर। ओके। मूंगदाल गाजर का हलवा, बनाना क्रेवल है सर। ओके। कुल्फी है, मैगी है, कूल सेल्स हो गए, सेल्स भी आप ट्राई कर सकते हैं। ओके थैंक यू। तो यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ मिस नहीं होने देंगे, जैसे कई बार होता है ना कि बंदा यार यही खा खा के बाहर चला जाता है, तो ये पहले आपको ऑप्शंस बता देते हैं आपके, ताकि ऐसा ना हो कि आप स्टार्टर से इतने ज़्यादा कर लें कि उसके बाद आपके पास पेट में जगह ही ना बचे कुछ और चीज़ खाने में। फिश अच्छी लग रही है यार, फिश मंगवानी चाहिए ना फिर से। नहीं कौन और फिश करवा स्पाइसी का वीडियो में हल्का स्पाइसी, पनीर भी खा लो यार। ऑनलाइन आप देखते हैं ऑफर्स कब चल रहे हैं,
हम तो सैटरडे नाइट को आए हुए हैं क्योंकि सैटरडे को ही हमारा ऑफ था। ये फेस्टिवल का स्पेशल है करंची क्रिस्पी मशरूम है, थोड़ा सा डालना। वेजिटेरियन आइटम है, मैं ज़्यादा विश्वास नहीं रखता वेजिटेरियन आइटम में, बट अच्छा लग रहा था बहुत देखने के लिए ये मशरूम, इसलिए मैंने ले लिया ताकि खा के कम से कम आपको बता सकूँ कि इसका टेस्ट कैसा है अगर आप वेजिटेरियन है तो। बहुत ही कुरकुरा, नहीं नहीं आई लाइक इट। क्या टेस्ट करूँ समझ नहीं आ रहा, बीच बीच में ना आपको ये जो अपना पाइनएप्पल ये खाते रहना चाहिए, डाइजेशन में आपको काम आता है ऑब्वियसली। अगर आप आए हो बुफे में तो पेल के खाने के लिए आए होगे। पाइनएप्पल का बहुत डिफरेंट सा टेस्ट है, काफ़ी कैसे समझाऊँ आपको, रिफ्रेशिंग है क्या, अल्कोहलिक टाइप का लग रहा है थोड़ा, अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब मैं अल्कोहल नहीं लेता ऑब्वियसली, बट अच्छा सा लग रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। और मैं देख रहा हूँ जैसे यहाँ पे और भी जो टेबल्स हैं सब टेबल्स पे जा जाके वो पूछ रहे हैं कि कैसा लग रहा है आपको, कुछ और आप लेना चाहते हैं नॉर्थ, वैसे आजकल हर जगह ऐसा होता है बट यहाँ पे हल्का सा थोड़ा ज़्यादा हो रहा है जो कि अच्छा लग रहा है। ऑब्वियसली किसी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है तो अच्छा ही लगता है, और ऐसे कोई स्पेशल ओकेजन में नहीं आया, नॉर्मल सैटरडे नाइट है, ठीक है, अच्छी खासी भीड़ है, फिर भी ऐसा ट्रीटमेंट दे रहे विच इज़ अ गुड थिंग अकॉर्डिंग टू मी। इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमने ले ली, और उसमें से जो बेस्ट हमको लगा है वो लगा था एक तो ये हरियाली, पता नहीं क्या बोला था उन्होंने, फिश है, ठीक है, एंड सेकंड चीज़ जो हमें बेस्ट लगी वो है ये आपका प्रॉन्स। प्रॉन्स वैसे भी जनरली मुझे बहुत पसंद है, बाकी टेस्ट भी इनका अच्छा है। स्पेशल है सर ये, ओके, एक बार कैमरे में निकाल दीजिए, एक क्रिस्पी सर, क्या है ये, एक क्रिस्पी, ये देखते हैं आप एग कुरकुरे, एंड दूसरी आइटम मटन चाप है वो भी दिखा देता हूँ आपको, देखते हैं आप, टेस्टी लग रहा है पर जब तक खाओ नहीं तब तक पता कैसे चलेगा यार, पहले एक तुरकुरी खा के देखते हैं। गुड, मटन वाली आइटम खा के देखे आप, ये ठीक ठीक लगा, इतना पसंद नहीं आया टू बी ऑनेस्ट मटन वाला। वेज मसाला बिरयानी, ये सर वेज मसाला बिरयानी, एक केसरी पनीर, ये सर केसरी पनीर, ठीक है, प्लेन राइस है सर, ये मशरूम मटर हरा प्याज, ये सर मशरूम मटर हरा प्याज, ये सर बीबी को स्पेशल दाल है सर,
एक शॉर्टेज वेज इन ऑयस्टर सॉस, ये वेज नूडल्स है सर, सरसों का साग है सर, ये सरसों का साग, आलू बकरा कोफ्ता है सर, आलू बकरा कोफ्ता है, ये सर सूप है सर, वेज सूप, रेस्टोरेंट सूप, ये सर इधर है नॉन वेज सर, चिकन मंचा सूप है सर, ये रोगनी जूस है सर, ये मटन है सर, रोगन जूस मटन है सर, ये सर मेथी मुर्ग है सर, ये चिकन दम बिरयानी मसाला है सर, चिकन दम बिरयानी मसाला, क्रीमी एक करी है सर, क्रीमी एक करी है, फ्राइड फिश एंड फ्राइड यहाँ पे देख सकते हैं दाल चावल आप और यहाँ पे मेरी प्लेट में देख सकते हैं आप मटन मसाला। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा बारबेक्यू नेशन में, सर्विस काफ़ी अच्छी थी, खाना काफ़ी अच्छा था, सबसे अच्छी बात कि वो अपने हिसाब से आप अगर स्पाइसी करना चाहते तो ज़्यादा स्पाइसी कर दे रहे थे, कम स्पाइसी करना चाहते तो कम स्पाइसी कर दे रहे थे, एंड बार 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 आपके पास आके पूछ रहे थे कि ठीक है कि नहीं है ठीक, जो कि मुझे बहुत अच्छा एक वार्म और पोलाइट बिहेवियर लगा स्टाफ एंड सर्विस का। एंड ये केक इन्होंने एज अ कॉम्प्लीमेंट्री मुझे दिया है, 100 केक कम्प्लीट होने पर इंजीनियर सिंह के, एंड एक केक इनको अंदर में दिखा चुका हूँ, एक केक हमने अंदर काटा है, एक केक इन्होंने हमें दिया है साथ में, सो अच्छा लगा यार, सर्विस अच्छी थी, वार्म वेलकम था, एंड अगर आप भी आना चाहते तो ज़रूर आए। हमको पैसे कितने लगे तो मैं आपको बता देता हूँ, 1900 यानी मान के चलिए 2000 रुपये लगे हैं हमें दो लोगों के लिए। इवन अगर आप, हम थोड़े पीक टाइम पे है सैटरडे नाइट, अगर आप आते हैं मंडे ट्यूसडे तो आपको ये 1500 के बीच में दो लोगों के लिए पड़ सकता है, जो कि बहुत ही अच्छी डील है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी डिशेज़ और सब कुछ मिलता है। अगर आपको ये मेरा फूड ब्लॉग अच्छा लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड मुझे बताइएगा क्या मुझे और ऐसे फूड ब्लॉग्स बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए, प्लस इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।